अपने बेबी का सेक्स यानी कि लिंग प्रेडिक्ट कर सकते हैं सो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट बेबी मूवमेंट हम ये पूरी सीरीज में कवर करने वाले हैं सो so, ये बेबी मूवमेंट की सीरीज आपको पूरी तरीके से समझना है तो so, इसे पूरी तरीके से देखना न भूले और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि गर्भावस्था में सबसे पहले बच्चा कब घूमना शुरू करता है या फिर आपको कब महसूस होता है सो so, एक बात मैं आपको ये क्लियरली बता दू कि जो बच्चे की हलचल होती है वो एक्चुअली माँ को लेट फील होती है और बच्चा जो पेट में घूमना शुरू कर देता है वो ऑलरेडी बहुत ही पहले शुरू कर देता है बस बात इतनी होती है कि वो आपको पहले फील नहीं होता है बट जो फीलिंग होती है जिसे हम अंग्रेज़ी में क्विकनिंग कहते हैं क्विकनिंग यानी कि जो बच्चे की फर्स्ट हलचल माँ महसूस करती है उसे हम क्विकनिंग कहते हैं सो so ये जो फर्स्ट हलचल जब भी माँ महसूस करती है वो वक्त होता है अठारह से बीस हफ्तों का यानी कि पाँचवें महीने में जनरली आपके बच्चे की हलचल आप महसूस कर सकते हो अगर आप पहली बार प्रेग्नेंट हो तो और अगर आप सेकेंड या थर्ड टाइम प्रेग्नेंट हो यानी कि या मल्टीग्राविडा हो तो ये हलचल में भी, 16 से 18 हफ्तों में भी आप महसूस कर सकते हो राइट सो so, क्यों तो एक तो आपको पहला एक्सपीरियंस रहेगा कि एक्चुअली बेबी मूवमेंट होती कैसी है किस प्रकार से हलचल हुई तो उसे हम हलचल कह सकते हैं या फिर वो गैस की शिकायत तो नहीं है क्योंकि बहुत से बार ये जो मूवमेंट होती है ये बहुत से महिलाओं को थोड़ा बहुत Uh, सिर्फ गैस जैसे पेट में जैसा कि कुछ गैस हो चुका है ऐसे ही फीलिंग देता है बट एक्चुअली वो बच्चे की मूवमेंट होती है सो so, ये डिस्टिंग्विश करना बहुत से महिलाओं को कठिन जाता है सो so, जो सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम एक्सपीरियंस होता है वो मे बी uh, जल्दी से महसूस कर लेते कि शायद ये बेबी मूवमेंट है तो ये अराउंड सिक्सटीन टू एटीन वीक्स मल्टीग्रेविडा में आ जाती है सो so, ऐसा नहीं है कि इस uh, मतलब आप मल्टीग्रेविडा हो तो आपको सोलह हफ्तों में बेबी मूवमेंट फील हो ही जाना चाहिए अगर नहीं भी होती है तो डोंट वरी इवन ट्वेंटी ट्वेंटी वन वीक्स तक आप रहा देख सकते हो बल्कि अगर चौबीस हफ्ते तक के आपको बेबी मूवमेंट फील नहीं होती है तो देन देर इज़ समथिंग रॉन्ग आपको गायनाकोलॉजिस्ट को आपको तुरंत कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर को दिखा के ये कंफर्म कर लेना है कि आपका जो बेबी का ग्रोथ है वो सही तरीके से हो पा रहा है या नहीं बेबी की धड़कन शुरू है या नहीं ये डॉक्टर को दिखा के आपको कन्फर्म कर लेना है लगभग छब्बीस हफ्तों के बाद में बेबी के हिकअप्स भी आप बहुत अच्छी तरीके से फील कर सकते हो यानी कि बहुत से बार जो एब्डोमिनल मूवमेंट होती है वो रिदमिक हो जाती है इस तरीके से एबडामन ऊपर नीचे करने लगता है सो दिस इंडिकेट्स कि शायद आपके बच्चे को आपके शिशु को हिचकियाँ अंदर से आ रही है वो भी हिचकियाँ आप बहुत ही अच्छी तरीके से महसूस कर सकते हो सो so, एक्चुअली जो बेबी मूवमेंट होता है वो बहुत ही जल्दी प्रेगनेंसी में शुरू हो जाता है पहले पहले अर्ली प्रेगनेंसी में बच्चा थोड़ा बहुत जब हाथ पे लिम्बर्स फॉर्म हो जाता है सिर सही तरीके से फेशियल फीचर्स सही तरीके से फॉर्म होता है तो हेड मूवमेंट नॉडिंग मूवमेंट थोड़ा होता है हाथ पैर थोड़े थोड़े वहाँ के वहीं घूमते हैं बट ट्वेल्व थर्टीन वीक्स में बच्चा पूरी तरीके से रोटेट करता हुआ सोनोग्राफी पे बहुत ही अच्छे से हम डिटेक्ट करते हैं सो तो बहुत से बार सोनोग्राफी के लिए पेशेंट्स आते हैं तो उसमें ये चीज़ हम जब माँ को बताते हैं तो माँ अचंभित हो जाती है कि क्या मेरा बच्चा इतना अच्छे तरीके से घूम रहा है बट मुझे महसूस क्यों नहीं हो रहा है सो so, वही चीज़ है कि जब अगर आप पूछोगे कि पेट में बच्चा कब घूमने लगता है तो वो बहुत ही जल्दी घूमने लगता है बट महसूस कब होता है तो महसूस पाँचवें महीने में आपको होता है लगभग एटीन टू ट्वेंटी वीक्स के अराउंड आप बच्चे की हलचल महसूस करना शुरू कर देते हो और जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है तो ये हलचल और भी प्रोमिनेंट हो जाती है जनरली सिक्स सेवन्थ मंथ में या एथ मंथ में बच्चा काफ़ी तरीके से अच्छी तरीके से घूम पाता है पर जनरली थर्टी फोर तो टू थर्टी सिक्स वीक्स के बाद ये हलचल वापस से कम होती है वो इसलिए एक्चुअली बच्चा जो पहले पूरी तरीके से रोटेट हो पा रहा था अब गर्भाशय का भी साइज़ बढ़ चुका है उसकी तुलना में बच्चे का साइज काफ़ी बढ़ चुका है वेट बढ़ चुका है उसकी लेंथ बढ़ चुकी है तो बच्चा पूरी तरीके से रोटेट नहीं हो पाएगा तो वो फुल थ्री सिक्सटी डिग्री से रोटेट बच्चा नहीं होता है जो पहले रोटेट हो रहा था सो so, अब सिर की मूवमेंट हो सकती है या हाथों पैरों की मूवमेंट होती है सो so, इसकी वजह से एज कंपेरिजन टू सिक्स सेवन्थ या एट मंथ नाइन्थ मंथ में आपके बच्चे की हलचल थोड़ी कम हो जाएगी सो so, ये हर महिला में साधारण सी या बहुत ही नॉर्मल सी बात है इसे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है एंड नॉट नेसेसरी कि हर मूवमेंट बच्चे की आपको फील हो हर बार राइट right? सो so, बहुत से बार बच्चा थोड़ा सा ही मूवमेंट करता है सिर्फ हाथ पैर हिला देता है या सिर हिला देता है तो वो मूवमेंट आपको फील नहीं होगी जो मूवमेंट जो हलचल कुछ सेकेंड से ज़्यादा है वो हलचल आप बहुत ही अच्छे तरीके से फील कर पाओगे या फिर बच्चा अगर आराम कर रहा है या सो रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है सो so, उस समय भी आप बच्चे की मूवमेंट फील नहीं करोगे सो so, ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है सो so, आज के वीडियो में हमने देखा कि बेबी की हलचल यानी कि आपके शिशु की जो हलचल होती है वो सबसे पहले आप कब फील करते हो यानी कि क्विकनिंग आप कब फील करते हो राइट सो बेबी मूवमेंट या शिशु की हलचल को आपको पूरी तरीके से जानना है तो इस सीरीज को आपको अच्छी तरीके से जान लेना है ताकि बेबी मूवमेंट से रिलेटेड हर एक चीज आप सही तरीके से समझ पाओ अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो इस चैनल को विद बेल बटन सब्सक्राइब करना ना भूले और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में शेयर करना ना भूलें थैंक यू